जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ORP 1 rank 1 पेंशन को लेकर के। बहुत ही बड़ी अपडेट है और इसमें किस लेवल के अधिकारियों को लाभ होगा और किस लेवल के सिपाही एक्स सर्विस मैन ने उनको बेनिफिट नहीं होने वाला, इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके, ऐसी ही अपडेट आपकी एक्स सर्विस मैन को लेकर के। तो फ्रेंड्स, से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक आर्टिकल है, देख सकते हैं। ORP का लाभ केवल कमीशन अधिकारियों को ही होने वाला। 1 rank 1 पेंशन योजना से केवल रक्षा सेवाओं के अधिकांश सेवानिवृत्त कमीशन अधिकारियों को लाभ होगा। मेजर रैंक से नीचे के पूर्व सैनिकों को मामूली लाभ मिलने वाला। ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है और अभी गरमाया हुआ मुद्दा है, चल रहा है। पूर्व सैनिकों का दावा है, एक इसमें कहा गया, सेवानिवृत्त कैप्टन जगदीश शर्मा के अनुसार ORP योजना से केवल रक्षा सेवाओं के अधिकांश सेवानिवृत्त कमीशन अधिकारी को लाभ होगा। मेजर के पद से नीचे के पूर्व सैनिकों को मामूली लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि मोर्चा ORP में विसंगतियों के खिलाफ आवाज़ उठाएगा। ये बात हाल ही में एक सेवानिवृत्त कैप्टन जगदीश वर्मा ने पूर्व सैनिकों के संयुक्त मोर्चे की एक बैठक में संबोधित करते हुए कहा। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि मोर्चा ORP में विसंगतियों के खिलाफ आवाज़ उठाएगा और कहा कि रक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी अधिसूचना में ये पाया गया कि हवलदार रैंक तक के जवानों की पेंशन में मामूली वृद्धि की है, जबकि नया सूबेदार और मानद कप्तानों की पेंशन में कटौती की गई है। ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो अपने भी फ्रेंड्स है, ग्रुप है, उन सभी में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं जैसे ही कोई अपडेट आती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।